नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी केंद्र के तीन चरणों वाले नए प्लान की, झारखंड कांग्रेस के तल्ख तेवर की, जानेंगे कि उद्धव के दाव से क्यों उड़े बीजेपी के होश और नीतीश सरकार ने जनता को दी कौन सी राहत, और आखिर में बात हजारों नौकरियों पर छाए काले बादल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे मंत्रालय ने रेल सेवा को लेकर किए जा रहे दावे को बताया गलत, कहा 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं, 22 मार्च से बंद है रेलवे की सभी सेवाएं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जताई चिंता, सोडा ने डॉक्टर्स की परेशानी को लेकर अमित शाह को लिखा पत्र, सख्त एक्शन के साथ ही संरक्षण एक्ट की मांग। केंद्र की राह पर चली महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा फैसला, मंत्री विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती, यूपी बिहार और उत्तराखंड में पहले ही हो चुका है ऐलान। यूएनओ की रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल, भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष में 4.8% रहने का अनुमान, दुनिया भर में गंभीर होंगे आर्थिक परिणाम। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी बढ़त, सेंसेक्स 1265 अंक के उछाल के साथ हुआ बंद, निफ्टी में 363 अंक की बढ़त दर्ज। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे विश्व में इस वक्त स्वास्थ्य हालात बेहद खराब है, भारत में भी दिन ब दिन प्रभावित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार इस परेशानी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें विपक्ष भी केंद्र के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं अब इस मुसीबत से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, क्या है सरकार का प्लान जिससे मुश्किल खड़ी होगी आसान। देश को खराब होते स्वास्थ्य हालात से कब निजात मिलेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हालात सुधारने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें हर संभव कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य परेशानी के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। ये पैकेज 100% केंद्र की तरफ से फंडेड है। केंद्र का अनुमान है कि इस परेशानी के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक प्रोजेक्ट के तीन चरण हैं। पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020 तक, दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक, तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक। पहले चरण में अस्पताल विकसित करने के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। लैब नेटवर्क्स और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस और परेशानी के खिलाफ जागरूकता जगाने में किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जन सुविधाओं पर भी खर्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्यों से कई दौर के संवाद के बाद सामने आया है। राज्य सरकारों की तरफ से मुसीबत से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा था। वहीं दूसरे और तीसरे चरण में अब क्या क्या किया जाएगा, फिलहाल इसका खुलासा होना अभी बाकी है, क्योंकि अगला चरण आने वाली स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा। तो अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, मौजूदा परेशानी से निपटने के लिए अब मोदी सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है, और आज तो तीन चरणों में इस परेशानी से पार पाने का प्लान भी तैयार किया गया है। लेकिन राजीव जी, सवाल ये है कि जब मुसीबत सिर पर पड़ी तो ही सरकार क्यों जागी, उससे पहले जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जी प्रिया, देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है, और अच्छी बात यह है कि विपक्षी दल भी इस वक्त सरकार को सहयोग कर रहे हैं। समय कठिन है और सब कुछ ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, ऐसा सब जानते हैं। इसके लिए दूरगामी सोच रखते हुए फैसले लेने पड़ेंगे। मोदी जी जो हैं वो इस वक्त देश के तमाम राजनेताओं, मुख्यमंत्रियों और विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर भी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब सरकार ने तीन चरणों यानी तीन फेजेज में अपनी रणनीति तैयार की है, जो जनवरी 2020 से शुरू होकर के 2024 तक बांटी गई है। बाद के दो चरणों में क्या होगा इसका तो खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन पहले चरण में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, आईसीयू, वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड जैसी चीजों पर किया गया है। पहला चरण जो है वो जून 2020 तक का है, यानी दो महीनों बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि सरकार की योजना कितनी असरकारी है। वैसे भी हालात संभलने में काफी देर हो चुकी है, और सरकार ने बेशक पहले चरण को जनवरी 2020 से रखा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि फरवरी के आखिरी तक तो सरकार इस मुश्किल को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी के अपने ट्वीट में इस संबंध में सावधान किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में भी सरकार का रवैया टालमटोल वाला ही रहा। अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो आज देश इस तरह कराह नहीं रहा होता।
अभी तो हालात ये हैं कि एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत है, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के घुटने टेकने का दर्द है। देश में विकास का पहिया सरकारी लापरवाही के कारण धस चुका है और कुछ पता नहीं कि इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। जब एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होंगे। मोदी सरकार को इनसे निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। अभी तो केवल उम्मीद कर सकते हैं प्रिया कि सरकार की ये 3 चरणों वाली प्लानिंग सफल हो जाए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर तल्खियां देखने को मिलती हैं, मगर जब देश मुसीबत में हो तो सब साथ नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है, जहां स्वास्थ्य परेशानियों से निपटने के लिए केंद्र के साथ विपक्ष भी नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में मोदी सरकार को कई सुझाव दिए, तो वहीं अब वो राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ जल्द बैठक करने जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा हालात को लेकर काफी पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया था और रणनीति बनाने की सलाह दी थी, मगर सरकार ने उस वक्त इस सलाह पर गौर नहीं किया और आज हालात सबके सामने हैं। वहीं कांग्रेस अब भी इस परेशानी से देश को निकालने के लिए लगातार मोदी सरकार को सुझाव दे रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसके चलते वो काफी एक्टिव भी नजर आ रही हैं। जी हां, अब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों से राज्यों के हाल का जायजा लेने की योजना बनाई है, जिसके मद्देनजर सोनिया गांधी 11 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। सोनिया मौजूदा परेशानी से संबंधित राहत कार्यों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगी। साथ ही इस परेशानी से उबरने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कोई संदेश भी दिया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इस पत्र में सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का समर्थन किया था, जिसमें सांसदों के वेतन में 30% की कमी करने का फैसला लिया गया था। सोनिया गांधी ने इस पत्र में लिखा था, ये एक सराहनीय कदम है, इस पैसे का उपयोग मौजूदा मुसीबत के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत आवश्यक है, ये समय की आवश्यकता है। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिनों के राष्ट्रीय बंद का समर्थन किया था, उन्होंने इस कदम को जरूरी बताया था। ऐसे में अब सभी की नजरें सोनिया गांधी की 11 अप्रैल को होने वाली बैठक पर टिकी है कि इस बैठक में सोनिया प्रदेश अध्यक्षों को क्या दिशा निर्देश देंगी। अब एक तरफ जहां विपक्ष केंद्र सरकार के साथ मुसीबत के वक्त में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। जी हां, केंद्र सरकार राज्यों की हर संभव मदद करने की बात तो कह रही है, लेकिन भेदभाव की बात भी उठ रही है। पहले दिल्ली सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भेदभाव की शिकायत की और अब झारखंड कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही शिकायत की है। क्या केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है? क्या राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सवाल इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि मौजूदा समय में सभी दल राजनीति भुलाकर एकजुट होने का खूब दम भर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब राज्यों को फंड जारी किया गया था तो दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने सरकार पर दिल्ली को 1 रुपया भी न देने और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अब झारखंड कांग्रेस भी मनीष सिसोदिया के सुरों में सुर मिलाती नजर आ रही है। जी हां, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की माने तो झारखंड को केंद्र से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जितना बयान राज्य सरकार की कार्यशैली के बारे में दे रहे हैं, उतनी सलाह केंद्र सरकार को दे देते तो निश्चित रूप से झारखंड को इस विपदा की घड़ी में ये महसूस होता कि परेशानी के समय में सभी दल के नेता एक होकर कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से 25,000 टेस्टिंग किट की मांग की जाती है और केंद्र सरकार 500 किट भेजती है, ये मजाक नहीं तो और क्या है। केंद्र सरकार झारखंड की अनदेखी ना करे और परेशानी से निपटने के लिए सारे संसाधन मुहैया कराए। मौजूदा वक्त में राजनीतिक भेदभाव ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, झारखंड कांग्रेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री को समय ना देने और काम आने वाली दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन क्या सचमुच बीजेपी केवल बीजेपी शासित राज्यों की मदद कर रही है? झारखंड कांग्रेस तो सरकार पर यही आरोप लगा रही है कि सरकार ने राज्यों की मदद के लिए दोहरा रवैया अख्तियार कर रखा है। उम्मीद तो यही करेंगे कि सरकार हर राज्य के लिए मदद का हाथ बढ़ाएगी और जरूरत के सभी संसाधन मुहैया कराएगी, ताकि किसी भी राज्य को या लोगों को सरकार से शिकायत न रहे।
अब केंद्र सरकार झारखंड की परेशानियों पर ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी है कि मौजूदा हालात में थमी राजनीतिक गतिविधियों का किसे नफा और किसे नुकसान होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी तरह के चुनावों पर मौजूदा हालात को देखते हुए रोक लगा रखी है, जिसके चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई है। मगर इसी बीच अब पूरा कैबिनेट उद्धव की कुर्सी बचाने की कोशिशों में जुट गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर पूरा देश बंद है। जरूरी सामान के अलावा सभी कामकाज ठप पड़े हैं, जिसका हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। यहां तक कि इस बंद से राजनीति भी अछूती नहीं रह गई है। जी हां, पहले राज्यसभा चुनाव स्थगित करने पड़े, तो उसके बाद राज्यों में विधानसभा उपचुनाव, विधान परिषद के चुनाव और पंचायत चुनाव भी स्थगित करने का फैसला लिया गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, और ये स्थिति थी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की। यही कारण है कि अब महाराष्ट्र कैबिनेट उद्धव की परेशानी दूर करने की कोशिशों में जुट गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में MLC का चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से MLC बनाया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अनुरोध किया गया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत उन्हें CM पद पर बने रहने के लिए 28 मई तक यानी CM पद की शपथ लेने के 6 महीने में दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की 2 सीटें खाली हैं। इन्हीं में से एक सीट पर कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की है। अगर राज्यपाल सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आकर टिक गई हैं कि वो राज्य कैबिनेट की सिफारिश को मानते हैं या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उद्धव का ये दाव BJP को हैरान जरूर कर रहा है। तो एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम कोशिशों में जुट गए हैं, तो वहीं बिहार में नीतीश फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। जी हां, साल के आखिर में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा हालात के कारण इस बार चुनावी तैयारियों की रंगत थोड़ी फीकी नजर आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर बयानबाजी लगातार जारी है, और अब इन सब के बीच सुशासन बाबू सस्ते बिजली के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने में जुट गए हैं। चुनावी साल हो और जनता को लुभाने की कोशिश ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। कभी राजनेता लोक लुभावन वादों के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, तो कभी मौजूदा सरकारें थोड़ी बहुत राहत देकर दोबारा सत्ता में आने के सपने संजोती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार ने सूबे में 1,60,00,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब इन उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। इस तरह से सरकार एक साल में 5,494 करोड़ खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। दरअसल विद्युत विनियामक आयोग ने 20 मार्च को पहली बार बिजली दर में 10% की कटौती की घोषणा की थी, जो काफी महंगा साबित होता। लेकिन राज्य सरकार ने भी उपभोक्ताओं को पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार 10 पैसे और ज्यादा अनुदान का फैसला लिया। इसी वजह से लोगों को 10 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अब मीटर रेंट भी नहीं देना होगा, जिससे 20 से 1,000 रुपए महीने तक का लाभ होगा। कुटीर ज्योति और ग्रामीण घरेलू सेवा में बिना मीटर के अब कनेक्शन नहीं मिलेंगे। ग्रामीण घरेलू और व्यवसायिक के साथ ही सिंचाई सेवा में मांग आधारित टैरिफ लागू होगा, पर मांग आधारित बिल में न्यूनतम खपत को घटाकर 85% से 75% कर दिया गया है। एक प्रावधान ये भी किया गया है कि न्यूनतम 21 घंटे बिजली देने पर भी कंपनी बिल की वसूली करेगी। आपको बता दें कि देश में बिहार इकलौता राज्य है जहां विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली दर तय करने के लिए राज्य सरकार अनुदान देकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराती है। अब सरकार के इस फैसले से जनता को राहत मिलती तो दिख रही है, लेकिन क्या सस्ती बिजली देकर सुशासन बाबू फिर से बिहार में सरकार बना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हजारों नौकरियों पर छाए काले बादल की। देश में स्वास्थ्य हालात को देखते हुए सरकार ने तालाबंदी तो लागू कर दी, लेकिन ये तालाबंदी कई सारी मुसीबतें भी लेकर आई है। तालाबंदी से एक तरफ अर्थव्यवस्था चरमराने के आसार हैं, तो वहीं दूसरे तरफ लोगों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए।
चीन के वुहान से शुरू हुई मुसीबत अब पूरी दुनिया के लिए आफत बन गई है। देश में तालाबंदी लागू है और तालाबंदी हटने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद तालाबंदी फिलहाल हटती तो नहीं दिख रही, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां और भी ज्यादा प्रभावित होती नजर आ रही हैं। उद्योग धंधों के लिए इस परेशानी से उबर पाना आसान नहीं रहने वाला और गाज छोटे कर्मचारियों पर गिरने वाली है। बात अगर रिटेल सेक्टर की करें तो यहां 80,000 कर्मचारियों की छटनी होने की संभावना है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये बात कही गई है। ये सर्वे 768 रिटेलरों पर किया गया है। देश भर में इन रिटेलरों के यहाँ 3,92,963 लोग काम करते हैं। RAI ने कहा, छोटे रिटेलर भविष्य में अपने कार्यबल में 30% तक कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं मझोले रिटेलरों के लिए ये आंकड़ा 12% और बड़े रिटेलरों के लिए ये 5% हो सकता है। व्यापक रूप से देखें तो रिटेलर अपने कार्यबल में लगभग 20% की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। स्वास्थ्य हालात के चलते मार्च में 18% कम लोगों को नौकरी पर नियुक्त किया गया था और इसके संकेत जनवरी से ही देखने को मिलने लगे थे। अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं। रिटेलर अब सरकार की ओर मदद की आस में टकटकी लगाए देख रहे हैं, ताकि उनके कामकाज पर असर ना पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इन लोगों के लिए क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV Live। नमस्कार।